हेलो फ्रेंड्स, एक और मंडे की शुरुआत, आई वुड से एनर्जेटिक मंडे की शुरुआत, क्योंकि मंडे को मेरा एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा ही अप रहता है, क्योंकि मुझे पता है मंडे से आप फ्राइडे तक बहुत ही डिसिप्लिन होने वाले हो। कि लोगों को मंडे ब्लूज हो जाते हैं, बट मैं थोड़ा मंडे को डिफरेंट हूँ। मंडे को मुझे रहता है कि आप जाओ फुल एनर्जी के साथ, चार्जअप होके, क्योंकि सैटरडे संडे आपने छुट्टी की है, छुट्टी का एक गिल्ट टाइप का फील होता है। तो मंडे मैं अक्सर अपने आप को चार्जअप रखता हूँ और मंडे से फ्राइडे चार्ज रहने की कोशिश रखता हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि डिसिप्लिन डेज होते हैं मेरे लिए, क्योंकि आपका खाना पीना और उठना, इन ऑफिस के लिए निकलना, हर चीज़ रूटीन में आ जाता है, टाइमिंग में आ जाता है। तो मंडे टू फ्राइडे मेरे लिए बहुत ही डिसिप्लिन डेज हैं, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे, अब तो मैं फ्राइडे को भी वीकेंड में इंक्लूड करता हूँ, थोड़ा शाम होते होते फ्राइडे वीकेंड ही हो जाता है, उस वक्त से लेकर मतलब तीन दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे आप कुछ भी खाते हो, आपने देखा होगा पता नहीं क्या क्या खा लिया उन्हें, कभी छोले कुलचे खा रहे हैं, कभी समोसा खा रहे हैं, क्या क्या खाते हैं वीकेंड पे। लेकिन शादियों का सिलसिला जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आई थिंक फ्राइडे को एक शादी दिखाई, फिर संडे को एक शादी दिखाई, अभी एक और है, बट मिड ऑफ द वीक है, तो देखते हैं, लेके चलूँगा। फिलहाल अपना ज्ञान का वक्त हो गया है, अपनी एनर्जी लेवल को और अप करने का, पॉजिटिविटी बढ़ाने का वक्त हो गया है, तो कुछ सुनता हूँ अच्छा और ऑफिस पहुँचता हूँ। भाई साहब, आज का ज्ञान सुन के मज़ा ही आ जाएगा, आपको सबको मज़ा आने वाला है, बहुत सिंपल सा ज्ञान है। तो ज्ञान ऑफ द डे ये है कि आप जो मन में सोच रहे हो, क्या आप वही दूसरे से बोल रहे हो? मतलब कई बार होता है ना कि आपके मन में कुछ और चल रहा है और मुंह पर आप उसकी तारीफ कर रहे हो, या कहते ना मीठी मीठी बातें कर रहे हो, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, और मन में आपके कुछ और चल रहा है नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है कि अगर प्योरिटी चाहिए तो जो मन में है वही जुबा पे होना चाहिए, अलग अलग है तो गड़बड़ है। और अगर मन में कुछ और चल रहा है जो कि आप जुबा पर ला ही नहीं सकते, तो वो सोचना भी बेकार है। तो इसका मतलब सही है, सही सोचने का सही तरीका, जो मन में है वो आप बोल पाओ, वो आप किसी के साथ शेयर कर पाओ, तो प्योर थॉट है। और अगर आप सोचते हो कि मन में तो है लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, तो मतलब वो थॉट सही नहीं है, उसको चेंज कर दो, वैसा सोचो भी मत, सोचने लायक भी नहीं है। भाई साहब, डेली का ट्रैफिक है या फिर दिल्ली का ट्रैफिक है भाई साहब? ये जो ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक की तो खैर आदत पड़ गई है, ट्रैफिक आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, अदरवाइज दिल्ली का है ये तो। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ है, मतलब सुबह की जो एनर्जी लेवल था शाम को आते आते गायब हो चुका है, और ज़्यादा कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। दिन तो अच्छा था आज का, बिजी था एज यूजुअल, मंडे था तो काम भी काफ़ी था, लेकिन कभी कभी होता है ना कि आपके पास शेयर करने के लिए बहुत कुछ होता नहीं है। तो आज कुछ ऐसा सिंपल सा डे है, बाहर की न्यूज़ सुन रहा हूँ तो पता चल रहा है एग्जिट पोल से कि कोई आपकी खास पार्टी आगे बढ़ रही है। चलो ये बाहर की न्यूज़ हो गई, अंदर की न्यूज़ देखें तो हर किसी को खांसी जुकाम बुखार हो रखा है, तो ये अंदर की न्यूज़ हो गई। और कल शादी में गया था, फिर शादी में एक जाना है, तो ये न्यूज़ भी आपको पता ही है। अब बात आई खाने पीने की, हर वीकेंड में सोचता हूँ कि मंडे टू फ्राइडे कुछ नहीं खाएंगे, मतलब डिसिप्लिन में खाएंगे, खाएंगे तो है यार, खाएंगे नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा। तो इस बार भी ऐसे सोचा था कि ज़्यादा कुछ जंक वगैरह नहीं खाएंगे, लेकिन हुआ क्या, ऑफिस में आ गए समोसे गर्मा गर्म। अब समोसे खा के फिर गिल्ट फीलिंग आ रही है कि भाई गिल्ट फीलिंग आ रही है तो क्या करूँ, समोसे नहीं खाने चाहिए थे, खा लिए तो खा लिए ना, बट ये है कि अब डिनर जो है वो डिनर नहीं करूँगा मैं ढंग से, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं डिनर खाऊँगा तो नो रोटी नो राइस टाइप का। तो देखते हैं, कोशिश ये रहेगी, या फिर मेरा फेवरेट भुट्टा और चाय चलेगी आज। चलो घर पहुँचते हैं।